अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत हो, आफिए से होंगे। तो भैया, पॉइंट शेबर पर फिर खलबली मची गई है। वैसे श्रीलंका की फतह के बाद श्रीलंका भी अब आ गई है 5वीं पोजीशन पर। तो भैया, पॉइंट शेबर पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हर टीम को अपने लिए जीत दरकार है। जो भी टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में जाएगी। अगर न्यूजीलैंड की टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी, इंग्लैंड की टीम जीतेगी सेमीफाइनल में जाएगी। अब किसी टीम के लिए कोई माफ़ी नहीं है। तो भैया, पॉइंट्स टेबल पर नज़र डाल लेते हैं एक दफ़ा। तो भैया, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे। तो भैया, हर टीम ने अपने 8-8 मैच खेलने हैं, मां सिवाय इंडिया और बांग्लादेश के। 8-8 मैच खेलने के बाद इस वक्त जो टॉप पर है और क्वालिफाई कर गई है वो ऑस्ट्रेलियन टीम है, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया। और नंबर 2 पर इंडियन टीम है, जिन्होंने तकरीबन क्वालिफाई कर लिया है। उसके 2 मैचेस आसान टीम के साथ हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ। अगर उनमें एक भी विन कर लिया तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। उसके बाद न्यूजीलैंड नंबर 3 पर है, जिसके 11 पॉइंट्स हैं। और नंबर 4 पर इंग्लैंड की टीम है, जिनके 10 पॉइंट्स हैं। और नंबर 5 पर पाकिस्तान टीम है, जिसके 9 पॉइंट्स हैं। और नंबर 6 पर श्रीलंका टीम है, जिसके 8 पॉइंट हैं। और नंबर 7 पर बांग्लादेश की टीम है, जिनके 7 पॉइंट्स हैं। और अगर नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर इस वक्त साउथ अफ्रीका टीम है, जिसके 5 पॉइंट है। और नंबर 9 पर इस वेस्ट इंडीज़ की टीम है, जिसके पॉइंट्स हैं 3। और अगर नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर अफगानिस्तान की टीम है, जिसके 0 पॉइंट्स हैं। उन्होंने अभी तक कोई मैच नहीं जीता। तो भैया, पाकिस्तान टीम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ अपनी मैच जीतना है, वो भी 50 रन से। और अगर न्यूजीलैंड जीते या इंग्लैंड जीते, इससे पाकिस्तान टीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 50 रन से या 6 ओवर पहले मैच विन करना है। इसी सूरत में पाकिस्तान टीम आसानी के साथ सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो भैया, आपकी राय के मुताबिक सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली 4 टीमें कौन कौन सी होंगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।